स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावकारी। ध्यान लगाने के लिए हमें अष्टांग योग का पालन करना होता है। जो यमनियमों का पालन करते हैं, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणिधान नियम, उनका मन शांत होता है, वो एकाग्र चित्त होते हैं, वो प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो यम नियमों का पालन करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। जो हिंसा में, झूठ में, चोरी में, दुराचार में, विचार अब्रह्मचर्य में, परिग्रह में, अशुचिता में, असंतोष में, विलासिता में, आत्मुक्ता और नास्तिकता में जीते हैं, उनका चित्त शुद्ध नहीं होता है, शांत नहीं होता है, एकाग्र नहीं होता, भीतर से प्रसन्न नहीं रहते। उनकी आत्मा उनको कचोटती रहती है, नोचती रहती है, वो खुद का सामना नहीं कर सकते। इसलिए हम यम नियम का पालन करते हुए आसन से, शरीर को, प्राणायाम से इंद्रियों और मन को, प्रत्याहार से इंद्रियों को अंतर्मुखी बना करके धारणा ध्यान समाधि पूर्वक भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना में तल्लीन हो जाते हैं। हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में या सहस्रार में कहीं पर भी एक जगह मन को टिका लेते हैं और मन ही मन ओम ऐसा ध्यान करते हैं और ओंकार मय अनुभव करते हैं पिंड और ब्रह्मांड को। हृदय चक्र से लेकर के आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही ब्रह्म की ज्योति, एक ही ब्रह्म की महिमा, सबका कर्ता नियंता, वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है।
ओम का अर्थ ही है तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः सदर्थः भावनम्। एक तो ओम मुंह से बोलते हैं, ये वाचिक जप है, ओष्ठ हिलते रहते हैं, बाहर ध्वनि नहीं आती है, ये उपांश जप है, और मन ही मन जप करते हैं, ये मानसिक जप है। और जब हमारा हृदय पवित्र होता है, अभ्यास हमारे सात्विक होते हैं, तब फिर संकल्प मात्र से जप शुरू हो जाता है और हम भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप ब्रह्मरूप हो जाते हैं। इसको अजपा जप बोलते हैं। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पहले वाचिक जप करेंगे और हृदय चक्र में ध्यान करते हुए पूरे पिंड में और ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म की महिमा को अनुभव करेंगे। बोलते ही जैसे उपनिषदों में कहा हमारे पूर्वज योगियों ने ऋषियों ने ध्यान किया कि ओम ऐसे बोलते ही ओम इति इदम सर्वम जो कुछ है व्यष्टि समष्टि पिंड ब्रह्मांड मनुष्य मनुष्य तरजड़ चेतन जीव जगत ये पृथ्वीलोक द्यूलोक अंतरिक्ष लोक सब अकार उकार मकार ओंकार में समाहित है। सबके कर्ता है, सबके नियंता है, सबके आश्रयदाता है, सबके आलंबन है। प्रभा एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। प्रभु का आलंबन आश्रय, हर पल प्रभु हमें आशीषित करते हैं, हमें अभिषिक्त करते हैं, अनुग्रहित करते हैं अपने दिव्य ज्ञान से, अपने दिव्य प्रेरणाओं से, दिव्य संवेदनाओं से, दिव्य आदेशों निर्देशों संदेशों उपदेशों से, मेरा मस्तिष्क ईश्वर के दिव्य ज्ञान से अभिषिक्त है, मेरा हृदय भगवान के दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से आनंद से उत्साह से ओतप्रोत है, और मेरा पूरा शरीर मेरा पूरा संपूर्ण अस्तित्व ईश्वरीय ऊर्जा से अनुप्राणित है।
ऐसे ओंकार के ध्यान में प्रभु के साथ जब एकाकार हो जाते हैं तब दैहिक शक्तियां जो सबको प्राप्त है वो सारी शक्तियां तो हमारी विकसित होती है योग से, ध्यान से, समाधि से, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का पूरा प्रकटीकरण होता है, वो अभिव्यक्त होती है, जागृत होती है, कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ बॉडी, सेंसेस, माइंड, थॉट्स, इमोशंस एंड एनर्जी. दिस इज द प्रोसेस ऑफ योग एंड मेडिटेशन. और दैहिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियों के जागरण के साथ साथ हमें अतींद्रिय ज्ञान, अतींद्रिय संवेदना, अतींद्रिय सामर्थ्य, अतींद्रिय सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होती है. ऐसे ओंकार का ध्यान किया, ओम इति इदं सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम इति एकाक्षं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठ. ओंकार में पूरे प्रतिष्ठित हो गए और वैज्ञानिक अनुसंधानों से भी पता लग रहा है कि सृष्टि का आदि उद्घोष ओंकार है. जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब ओंकार था और सारी सृष्टि की निर्मिति के बाद भी ओंकार ही का उद्घोष इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से सर्वत्र गुंजायमान हो रहा है. जिस सौर मंडल में हम रह रहे हैं इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा घटक है. ऐसे कुछ कहते हैं हजारों, कुछ कहते हैं लाखों, कुछ कहते हैं करोड़ों, कुछ कहते हैं अनंत ब्रह्मांड इस पूरे अस्तित्व में है. अभी तक किसी को इसका और छोर आर पार पाया नहीं. सारे ब्रह्मांडों में एक ओंकार समान रूप से व्यापक और सब कुछ वो नियंत्रित कर रहा है. ऐसे ओंकार का ध्यान करें मौन होकर के और गायत्री का ध्यान करें. मेरे साथ बोलेंगे सभी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ऐसे ओंकार और गायत्री का ये ऐसे मौन ध्यान करें, वाचिक जप, उपांशु जप, मानसिक और अजपा जप करें. गायत्री का ध्यान करते हुए ओम प्रभु आप ही प्राणाधार, सर्व आधार, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व व्यापक है, सच्चिदानंद भू पृथ्वीलोक में, भुआ अंतरिक्ष लोक में, स्व द्वलोक में प्रभु आप ही व्यापक. भू भुआ स्व ऋग साम यजु त्रयी विद्या के
वेद ज्ञान के, सर्वज्ञान के आप ही देने वाले भूवास। भू आप प्राणधारा, भुआ दुख विनाशक, स्व सुख देने वाले सुखदाता है। तत्सवितुर देवस्य वरेण्यम भर्गः धीमहि। हे सविता, सब जगत की उत्पत्ति करता देवस्य समस्त दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त प्रभु आपके वर्णीय, आपकी सिवा और वर्ण किसका करे। तुझसे ही तो सब कुछ है, तुझसे महान, तुझसे रूपवान, गुणवान, ऐश्वर्यवान, तुझसे अधिक आकर्षक और कोई तत्व, कोई तथ्य, कोई सत्य इस जगत में है ही नहीं। हे जगदीश, हम आपकी शरणागत हैं, हम आपका वर्ण करते हैं, आपको ही अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में, अपने प्राणों में, अपनी संपूर्ण चेतना में आपको धारण करते हैं। आप हैं ही मुझ में, बस मैं आपको स्वीकार करता। तत् सवितुर वरेण्यम भर्गः देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। प्रभु मेरी बुद्धि को वेद मार्ग पर चलाना, योग मार्ग पर, सत्य धर्म के मार्ग पर, पुरुषार्थ के मार्ग पर, दिव्यता के पथ पर मुझे चलाना। भर्गः देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ऐसे ओंकार और गायत्री का ये तो मौन ध्यान हुआ, अब प्राणायाम के साथ ध्यान करेंगे। लंबा श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, जब ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हैं तो हमारे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। अंग्रेजी में इसको ओरा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इसको? ओरा। हिंदी और संस्कृत में इसको बोलते हैं आभा मंडल। क्या बोलते हैं इसको? तो जब हम प्राणायाम और ध्यान करते हैं एकाग्रता पूर्वक, तो हमारे शरीर के भीतर और एक बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है, डिवाइन ओरा। आजकल एक फोटोग्राफी, जैसे हमारे बॉडी के फोटोग्राफ आते हैं, ऐसे ही ट्रिलियन फोटोग्राफी से हमारे सूक्ष्म शरीर के फोटोग्राफ भी आ जाते हैं। अन्नमय कोष का फोटोग्राफ तो आता है, उसके साथ साथ प्राणमय शरीर का भी फोटोग्राफ आ जाता है। किसका फोटोग्राफ आ जाता है बोलो? प्राणमय शरीर का। और फिर उससे मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोष का भी अनुमान लगा सकते हैं। ऐसे लगातार करो, रुको मत। तो ये क्रिया योग हो गया। क्या हो गया? ये पहले मौन योग हो गया था, मौन होकर। क्रिया योग किसे कहते हैं महर्षि पतंजलि? मेरे साथ बोलो, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब तप बहुत बड़ा शब्द है। तप एक तो है कि सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान को सहना। जीवन में संघर्ष आते हैं, चुनौती आते हैं, जीवन एक युद्ध की तरह है। उन सारे झंझावातों, आंधी और तूफानों में अपने ध्येय पथ की ओर आगे बढ़ते रहना। उत्तिष्ठत जागृत, लंबे गहरे सांस भरते रहो, रुको मत। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। उठो, जाग और अपने ध्येय की ओर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मंजिल लक्ष्य में नहीं जाता। इसमें बड़ी कठिनाई आएगी, चुनौती आएंगे। कहते हैं छुरी की धार पर, तलवार की धार पर, खांडे की धार पर चलने के समान है जीवन पथ। लेकिन फिर भी तुम घबराना नहीं, आंधी और तूफानों के बीच में, संघर्षों के बीच में तुम आगे बढ़ते रहना। एक दिन तुम्हें जिंदगी की मंजिल मिलती है, तुम्हें वो सब कुछ मिलता है जिसके पीछे सारी दुनिया पागलों की तरह दौड़ती है। वो सांस से, वो सफलता, वो विजय, वो उपलब्धियां, वो सारा ऐश्वर्य तुम्हें मिलता है। और मैंने ये पाया ही इसलिए कह रहा हूं। बस एक ही शर्त है, आपको अपने राह पर रुकना नहीं है। चरई वेती चरण वही मधु,
विंदति। बोलो, चरैवेति चरैवेति चरण वै मधु विंदति। इंद्रः इच्चरतः सखा, बोलो इंद्रः इच्चरतः। भगवान भी जो चलने वाले उनको आगे बढ़ाते हैं। भगवान, मैं बार बार कहता हूं, भिखारियों को नहीं देते, अधिकारियों को देते हैं। भगवान की कृपा पाने के लिए आपको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम करना 5 मिनट। जो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम कर लेंगे उनको जीवन में कभी कोई रोग व्याधियां नहीं। उनका फेफड़ा तो मजबूत रह गई। ये जो हम श्वास भरते हैं ना, ये कहां गया? अंदर जाने के बाद लंग में रेड ब्लड सेल्स के द्वारा ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब? कहां पर? लंग में। कहां पर? लंग्स में। और फिर वो रेड ब्लड सेल्स, ब्लड के 3 बड़े कंपोनेंट हैं। एक को बोलते हैं WBC, क्या बोलते हैं? दूसरे को बोलते हैं RBC, और तीसरा प्लेटलेट्स। ये जो रेड ब्लड सेल्स है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं WBC हैं, ये हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। आजकल इम्यूनिटी की बात सभी कर रहे हैं, तो ये जो इम्यूनिटी है ना, लंबे गहरे श्वास भरो, ये इससे बढ़ती है। मैंने प्रयोग किया प्रयोगशाला में, अपने यहां पतंजलि रिसर्च सेंटर है, करोड़ों रुपए की मशीनें, सैकड़ों करोड़ रुपए की, कितने की? सैकड़ों करोड़ रुपए की मशीनें। तो मैंने अपने आप को प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के लिए उपस्थित किया, अपने ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट किए प्राणायाम करने से। करते करते WBC बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ गए? WBC जिसके हाई होते हैं उसकी इम्यूनिटी बहुत हाई होती है। इम्यूनिटी ऐसे नहीं माप सकते बीपी शुगर थायराइड की तरह, वजन की तरह कि इतना कम है इतनी ज्यादा है, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स है। जिसके WBC हाई होते हैं उसकी इम्यूनिटी हाई होती है। ये भस्त्रिका से WBC बढ़ते हैं, और RBC को पूरा ऑक्सीजन मिलता है, तो फिर RBC भी अच्छे रहते हैं। मेरे WBC एकदम जितने होने चाहिए ना उतने एक्सट्रीम लेवल पर है, और मेरे RBC रेड ब्लड सेल, मेरा हीमोग्लोबिन लगभग पिछले 25 सालों से 17.5 रहता है। कितना? बाकी नॉर्मल लोगों का कितना रहता है? 12, 13, 14 में 15 में तो सब पूरे हो जाते हैं। मेरा रहता है 17.5। अब कपाल भाती करो। जिसके WBC हाई होंगे, जिसके प्लेटलेट्स हाई होंगे, जिसके RBC हाई होंगे, मेरे प्लेटलेट्स रहते हैं 4 लाख के आसपास, 3 से 4 लाख के बीच में अच्छे होते हैं। और जिसके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं फिर उसके ब्लड लीकेज होके मर जाते हैं। डेंगू में चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स ही तो कम होते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर प्रोलैक्टिन कार्टिसोल इसी चीज से स्ट्रेस हार्मोन्स कम होने चाहिए। और क्या बोले मैंने? कितने हार्मोन्स बोले? आप तो नोट ही नहीं कर रहे, इतनी बातें बता रहा हूं, आपको याद कैसे रहेंगी? क्या बोला था? क्या बढ़ता है? WBC RBC प्लेटलेट्स तो बढ़ते हैं, और घटते क्या है? प्रोलैक्टिन कार्टिसोल SHTS एड्रेनलिन। यही तो ध्यान करना है। अब ये ध्यान चल रहा है, अभी ध्यान से बातें सुननी है और ध्यान से प्राणायाम करना है, और इससे पूरा रूपांतरण होगा। तो कल मैंने आपको भगवान का दर्शन बताया था, भगवान की पूजा बताई थी, और मुक्ति का मार्ग बताया था। आज बता रहा हूं योग के 2 पक्ष, कंप्लीट एक्सप्रेशन एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे तो 5 शब्दों में योग का पूरा लाभ होता है। लिखो, कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ अवर टोटल एग्जिस्टेंस। हमारे संपूर्ण अस्तित्व का संपूर्ण दिव्य रूपांतरण। एक सेकेंड, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तीसरा शब्द है कंप्लीट बैलेंस। क्या बोला? बोलो,
फिर चौथा शब्द है कंप्लीट रिज्यूविनेशन, क्या है बोलो? और पांचवा शब्द है अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिफाइन, बोलो पांचवा शब्द। अब बिना देखे एक खड़े होकर के बताओ तो मैं समझूंगा उसका ध्यान पूरा लग रहा है, नहीं तो ध्यान इधर उधर भटक रहा है। तो ये क्रियात्मक ध्यान है ना, बिना देखे बोलो, पांच शब्द बोले थे, मैं फिर से बोलता हूं, लिसन केयरफुली। एक्सप्रेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन एंड अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, बोलो पांच शब्द क्या हुए? तो सारे बच्चे ध्यान करने वाले हैं, चलो अपने लिए ताली बजाओ, आप अच्छे बच्चे हो। अपना अभिनंदन खुद क्या करो, सुबह उठ करके ही मैंने बोला था ना कपाल भाती करो, अब मैंने बोला था सुबह उठ करके ही अपने सौभाग्य पर इतराना, मैं धरती की सौभाग्यशाली आत्मा हूं कि भगवान ने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी है। भगवान को क्यों याद करना, कोई कोई किसी को पेन देते तो उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते हैं? धन्यवाद। क्या दिया उसने हमें? उसने छोटा सा एक पेन उपहार में दिया, कोई छोटा सा हम पर उपकार कर देता तो हमको उसको बोलते हैं थैंक यू। ये पूरे वर्ल्ड में बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं उसके बोलने की, जुबान अलग है, लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, बट द इमोशन इज इक्वल एवरीवेयर। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड करते हैं उसको, उसको थैंकफुलनेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसको, कपाल भाती करो। तो भगवान को क्यों याद करना, भोर में उठ के उसको धन्यवाद करना, उसने सब कुछ दिया हमें। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही। पहली लाइन क्या है? का आधार वही, दातार वही, करतार वही है सब जग का आधार वही, दातार करतार वही है, माता पिता बंधु सखा सारे जग का आधार वही है, माता पिता बंधु सखा। वही आसरा है दुखी बेसहारों का भी, वही आसरा है भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ छोड़ चुके हो, पर संकट काल में बिगड़े हाल समझ छोड़ चुके हो, वो पूरे वक्त में भी साथी हो, पूरे वक्त में भी साथी परमात्मा भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। कपाल भाती करो, देखो एक बात बताता हूँ आपको,
ये तो हंसते खेलते भी ध्यान होता है, खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी, प्राणायाम करते भी ध्यान होता है। कुछ लोग केवल समझते कि बंद आंखों से ही ध्यान होता है, ध्यान तो 24 घंटे होता है। कैसा ध्यान होता है बोलो? अभी देखो, हम सब आपको प्राणायाम कराते, योग कराते कराते ध्यान कर रहे हैं। इसको हमने नाम दिया है, मैंने क्या दिया, महर्षि पतंजलि ने नाम दिया है क्रिया योग। क्या नाम दिया है? तप कर रहे हैं। तो प्राणायाम परमम तप, सबसे बड़ा तप क्या है? प्राणायाम। एक शरीर का तप होता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास और सब, कोई भी थपेड़े लगते हैं ना बहुत तरह के, इनमें परेशान ना हो। मैं परेशान नहीं होता, मैं 50 डिग्री टेम्परेचर पर ऐसे रहता हूँ, 5 पर भी ऐसे रहता हूँ, और -5 तक भी ऐसे ही रहता हूँ, ठीक है ना? तो शरीर का भी तप है, फिर इंद्रियों का तप है। मेरी इंद्रियां इधर उधर नहीं जाती है बिना मेरी इच्छा के, ये मेरे अधिकार में। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा अधिकार करे दो, मेरे मन पे मेरा अधिकार करे दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार करे दो, घबर में है नैया इसे पार करे दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाए, मैं गाऊं सदा ही वेद की ऋचाए, तन मन पे अधिकार करे दो, कितन मन पे मेरा अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार। तो बहुत भजन गाते रहते हैं, आपको सुनाते रहते हैं। कपालभाति करते करते एक बात बता रहा हूं, मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण है, होना चाहिए सभी का, आपका भी है, अपनी इंद्रियों पर भी। मेरी बिना इच्छा के मेरा दिमाग, मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरे कान इधर उधर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि मेरे अधिकार में। तो अपने शरीर पर अधिकार करना, नियंत्रण रखना, कंट्रोल, विजडम, विक्ट्री, इसको बोलते हैं आत्म विजय। क्या बोलते हैं बोलो? आत्मनिर्भरता, आत्म संतुलन, आत्म, गीता की भाषा में क्या है बोलो? आत्मसंयम योग। बोलो, अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण, यह आत्मसंयम। और ये जिसने कर लिया, जिसको आत्मसंयम आ गया, वो आत्म विजेता हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? तो शब्द लिखो, पहला शब्द लिखो आत्मसंयम, दूसरा आत्म विजेता, और तीसरा विश्व विजेता। तो विश्व विजेता बनने का मंत्र दे दिया आपको ध्यान करते करते। क्या है बोलो? आत्म, फिर आत्म संयम से आत्म, और जो आत्म विजेता होता है वो, तो कौन है विश्व विजेता? जो आत्म संयम करता है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, विश्व विजेता हूं। बोले स्वामी जी, आपने विश्व विजय कैसे प्राप्त कर ली? मैंने पूरी दुनिया में जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं उन सबके मनों में, प्राणों में, आत्मा में जगह पा ली है, सारी दुनिया जीत ली है मैंने। मैंने अपने आप को जीता तो सारी दुनिया जीत ली। मैं जिधर जाता हूं वहां हजारों लाखों करोड़ों लोग मुझे फॉलो करने लगते हैं, मेरे से प्यार करने लगते हैं। यही तो आज इसी के भजन सुनाते ना, जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को, ये गाएंगे हमारे। आप लोग अपना लिख लो डायरी में और कपाल भाती करो, तो ध्यान भी तो करना है, प्राणायाम भी तो करना है। तो ये अभी देखो, कपाल भाति करते करते ये क्रियात्मक ध्यान बता रहा था, क्रिया योग। क्या बता रहा था बोलो? और हमारे साथ पूरे देश और दुनिया के भी लाखों करोड़ों भाई बहन योग करते हैं, अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, मन पर विजय पा लेते हैं। और यही काम करना हमें,
तो शरीर पर विजय पाने के लिए अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज करनी पड़ती है। योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, आज पूरी करवा दूं, थोड़ी थोड़ी करवाऊंगा, फिर 100-100 करना, फिर 200-200 करना, फिर 500-500 करके इतने मजबूत बनना है ऐसे पूरे ये सबको मजबूत बनाना है। मैंने आपकी पूज्य प्राचार्य जी देवश्रुति जी को भी बोला है, अब ये एक महीने में 500-500 दंड लगाएंगी और स्वामी रामदेव की तरह कम से कम बन जाएंगे। नहीं तो अब सभी बोलते यहाँ की आचार्य जी बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस थोड़ी दुबली पतली हैं। कई बार तो बेटियों के साथ खड़ी हो जाती है ना, तो पता ही नहीं लगता कि गुरु और शिष्य कौन है। कपाल भाति करो, सुनो, शरीर का तप, शरीर को बलवान बनाने के लिए अलग प्रकार की एक्सरसाइज, अपने उसके लिए अलग प्रोसेस है, प्रक्रिया। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ विजडम, सेल्फ विक्ट्री? सो डू सम फिजिकल वर्कआउट, फिजिकल एक्सरसाइजेस, कुछ शरीर के लिए कुछ विशेष व्यायाम करने पड़ते हैं, उससे शरीर को विजय प्राप्त की जाती है, फिर इंद्रियों पर विजय प्राप्त, मन पर विजय प्राप्त करने की। और ये सब बहुत आसान नहीं है, इसके लिए बड़ा तप करना पड़ता है, लेकिन जो प्राणायाम करते हैं ना, उनका शरीर का तप सिद्ध हो जाता है। उनके पाणी पाद पाई उपस्थ वाक इंद्रिय पर नियंत्रण होता है, यह है कर्मेंद्रियां। पाणी पाद पाई उपस्थ वाक क्या है बोलो? कर्मेंद्रिया, नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, घ्राण और रसना, ये क्या है? ज्ञानेन्द्रिया। फिर मन, अरे मन तो बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये तो इधर उधर ही डोलता रहता है, इसलिए मन के ऊपर तो इतने बातें लिखी गई हैं पूरी दुनिया में, और सारी दुनिया के मनोवैज्ञानिक, सारी दुनिया के दार्शनिक, और इतना ही नहीं, सारी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको ड्राइव करने वाला तो मन ही है, मन। और इस पर भी विजय, इस पर भी विजय आ जाती है प्राणायाम से। इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा तप क्यों है, और प्रक्रिया अलग अलग है, शरीर का, इंद्रियों का, ज्ञानेन्द्रियों का, कर्मेंद्रियों का, मन का, मन के विचारों का, भावनाओं का, संवेदनाओं का, थॉट्स। मन में क्या उठते हैं? थॉट्स, थॉट्स, फिर उनसे क्या बनते हैं? थॉट्स से इमोशंस, और उनको ही उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम? एक्शन। द साइकिल ऑफ, व्हाट इज द साइकिल ऑफ लाइफ? लिखो, कुछ लिखो। तो थॉट्स, इमोशंस, एक्शन, दिस इज द साइकिल ऑफ लाइफ। सबसे पहले क्या उठते हैं? थॉट्स। थॉट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इमोशंस में। इमोशंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्शन। हम जो कुछ करते हैं सबसे पहले क्या उठता है उसका? विचार करने का, विचार आता है, और फिर से भावना उठती है अंदर, मुझे करना है, मुझे भी पंच उपदेश याद करना है, मुझे भी पंचदर्शन याद करनी है। किधर गई वो दोनों बेटियां, क्या क्या नाम है? एक तो खुशी और अंकिता, दोनों इधर आओ, एक इधर बैठो, एक इधर बैठो, अपना वो डायरी लेके आओ, खुशी जी और अंकिता जी इधर आकर बैठो, फिर से एक बार इनका अभिनंदन करो। इनको किस लिए बुलाया है? इनको रेस्पेक्ट देने के लिए बुलाया है हमने। किसके लिए बुलाया है? बैठो, रेस्पेक्ट देने के लिए बुलाया है अभी इनको। हाँ, इतनी जगह में बैठ सकते हैं, फिर जब व्यायाम करेंगे तब फिर इनको वापस भेज देंगे अपने आसन पर। तो इनको विचार आया कि स्वामी जी ने कहा है कि तुम ट्राई करो, इसको एक्सपीरियंस करो, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपकी शक्ति क्या है? चलो कपाल भाति करो, जैसे होंगे हमारे विचार वैसे होगा हमारा व्यवहार, वैसे होगा हमारा संसार, वैसे होगा हमारा जीवन। मेरे विचारों ने मुझे सन्यासी बना दिया, मेरे विचारों ने मुझे योगी बना दिया, मेरे विचारों ने मुझे उद्योगी बना दिया, मेरे विचारों ने मुझे देश नहीं पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, मेरे विचारों ने मुझे पहुंचाया, और जो मेरे विचार थे फिर मैंने उनको सबको पहुंचा दिया। तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज है विचार। दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है बोलो? विचार। विचार से ही हम उठते हैं, और विचार ही उल्टे हो जाए तो हम गिरते हैं। विचार ही हमें इंसान बनाते हैं, और विचार उल्टे हो जाए तो शैतान। विचार ही हमें सफल बनाते हैं, विचार ही असफल बनाते हैं। विचार ही हमें
सुखी बनाते हैं और विचार उल्टे पुलटे आ जाएं तो फिर आदमी रोने लगता है करके रोते रहते हैं लोग। विचार ही आदमी को रुलाते हैं और विचार ही हंसाते हैं, विचार ही आदमी को सब कुछ बनाते हैं। इसलिए अच्छे विचार रखो। तो आपको कपालभाति करते करते ये बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा तप क्यों है। इससे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, मन के विचारों पर, भावनाओं पर, आपका अपने सारे चेष्टाओं पर पूर्ण नियंत्रण आ जाता है। इसलिए कहते हैं प्राणायाम सबसे बड़ा तप है। और क्रियायोग क्या? तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। तप करो और स्वाध्याय माने अपने स्वरूप से जुड़े रहो, स्वाध्याय माने अपने स्वरूप से जुड़े रहो। और फिर भगवान के प्रति समर्पित रहो, क्योंकि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की संवेदना, सब कुछ करने की शक्ति भगवान दे रहा है। और जिसने ये कर लिया फिर समाधि भावनार्थ क्लेश संकरणार्थ उसकी समाधि लग जाएगी और जीवन के सारे क्लेश कट जाएंगे, सारे दुख हट जाएंगे, सारी दरिद्रता हट जाएगी, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश है। तो क्रियात्मक योग हो रहा है। ऐसे मूलाधार से लेकर के सस्रार तक ये तो आठ चक्र हैं, फिर नौ द्वार हैं, दो आंखें, दो कान, दो नाक, एक मुख, पायु, पस्त। शरीर में इन बहुत कुछ है, 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। कितने हैं बोलो, लिख लो, 37 ट्रिलियन सेल्स, 72,72,10,201 नाड़ियां, आठ चक्र, नव द्वार, ये शरीर अयोध्या है। एक दो पेन लेकर के, डायरी लेकर के नहीं आए ना, देखो तो फिर आपको बाद में असुविधा होगी कि स्वामी जी ने क्या बताया था, हमें तो पता ही नहीं, थोड़ी थोड़ी बातें तो याद रही, बाकी पूरा तो बहुत बहुत बातें बताई थी। क्या बताई थी? अच्छी अच्छी बातें बताई थी। क्या बताई थी बोलिए, मत पूछो क्या बताई थी। तो ये क्रियात्मक योग चल रहा है, क्रिया योग चल रहा है। अपने आप सब कुछ हो जाता है अंदर से, रूपांतरण प्राणायाम करते करते। एक काम हमें करना पड़ेगा, प्राणायाम, उसके साथ ध्यान भी हो जाएगा, समाधि भी लग जाएगी, समाधान भी हो जाएगा। चलो सीधे बैठो, आज बहुत कुछ बता दिया आपको। ये चल रहा है क्रिया योग। क्या चल रहा है बोलो? क्रिया योग। और इससे होगी आत्म विजय। क्या होगी? आत्म संयम से आत्म, और आत्म विजय से विश्व विजय। हम योग से आत्म संयम को उपलब्ध होते हैं। योग से मिलता है हमें आत्म संयम। योग से क्या मिलता है बोलो? आत्म संयम। उससे मिलती है आत्म विजय, और आत्म विजय से विश्व विजय तो हो ही जाती है। भजन तो मैं बहुत गाता हूं, आज भजन ज्यादा नहीं गा रहे हैं। भजन अभी थोड़ा और बता रहे हैं आपको। तो ये मूलाधार से सहस्रार तक आठ चक्र हैं शरीर में। क्या है बोलो? तो जैसे कपालभाति स्टार्ट करते हैं ना, जैसे ही आपने गुड़ खाया तो मुंह मीठा अपने आप हो जाता है, सोचना पड़ता है कि मुंह मीठा हो जाओ? बोलो, अपने आप। और करेला खाते ही और नीम खाते ही मुंह कड़वा। कोई साइनाइड खा ले तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? साइनाइड खाते तो बड़ा भयंकर जहर होता है, जीभ पर रखते स्वाद भी नहीं बता सका अभी तक कोई, अगले क्षण मौत। जब विष खाने से कोई एक क्षण में मर सकता है, जब विष व्यक्ति को मारता है तो योग व्यक्ति को तारता है। करना पड़ता है, बस करो और पाओ। डू एंड अचीव। क्या बोला मैंने? डू एंड
अभी करो अभी पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। कपान भाती ऐसा कर, ये छोटी सी क्रिया लग रही है लेकिन इसके द्वारा क्या क्या होता है। ओहो, रोगी क्या हो जाते हैं? निरोगी हो जाते हैं। जो अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाते हैं, जो असफल है वो सफल बन जाते हैं। कल मैंने आपको जीवन में सफलता कैसे पानी है ये बताया था, और अस्वस्थता और असफलता ये सबसे बड़ा पाप है, अभिशाप है, ये भी बताया था, है ना। और सफलता के सूत्र दिए थे, उसका शेष चैप्टर आज शाम को होगा। कपालभाति, जो करेंगे वो आत्मसंयम को उपलब्ध हो जाएगी। आत्मसंयम योग याद है ना, गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का बोलो, अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयम योगः। कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। पहले में ही सब कुछ बता दिया, फिर इसका विस्तार है। देखो एक दो श्लोकों में पूरा सार आ जाता, फिर उसका विस्तार भी बोलते हैं। शास्त्र की दो शैली है, सार और विस्तार। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नी न चाक्रियः। फिर आगे बोलो, शमः कारणमुच्यते न कर्मसु अनुशच्यते सर्व। आत्मा एव आत्मनो बंध, आत्मा एव रूप आत्मनः। सुनो तो ऐसे पूरा याद है आपको, तो आत्मसंयम योग। उद्धरेत आत्मना, अपने आप से ही अपना उद्धार करते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो चलो अब श्लोक तो फिर बुलवाएंगे आपसे, पूरी भगवत गीता भी सुनेंगे एक दिन, पूरी भगवत गीता के साथ ही योग करवा देंगे आपको, पूरी भगवत गीता भी हो जाएगी। और जो गीता में लिखा है वो योग में होता है। योग जो करता है ना, पूरी भगवत गीता उसके जीवन में अभिव्यक्त हो जाती है। योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में भगवत गीता क्या हो जाती है? और जो योग नहीं करता, खाली गीता ही गीता पढ़ता है, गीता को फिर जीता नहीं है। गीता को कौन जीता है? जो योग करता है। उसमें जो गीता में लिखा है वो प्रकट हो जाता है। जो योग करता है वो गीता को जीता है, और जो योग नहीं करता बस वो गीता पढ़ता ही पढ़ता है, जीता नहीं है। इसलिए जानना किसके लिए है? जीने के लिए। जानना किसके लिए बोलो? जीने के लिए है। यो एवं वेद स एवं भवति, ये हमारी वैदिक ज्ञान की परंपरा का आदर्श है। कपालभाति, करते करते आपको बहुत कुछ बता दिया, अब चलो पूरा ध्यान करा देते हैं। अब देखो भजन, कुछ कहते हैं ये भक्ति गीत है, ये शांति गीत है, ये क्रांति गीत है। भजन तो भजन होते हैं, भाव होते हैं, कैसे भी गा लो। कपालभाति करते करते आपको एक भजन सुनाते हैं, फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम भी हो जाएगा, फिर उज्जायी भी हो जाएगा, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, आपका ध्यान भी हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर मैंने पहले कहा था, जिंदगी युद्ध की तरह, अनुकूलता प्रतिकूलता आंधी तूफान, और ये बहुत कुछ आएगा। अभी तो बच्चों आप पढ़ रहे हो, जब थोड़े बड़े हो गए ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा इस दुनिया में। फिर इसके लिए एक भजन गाया हुआ है, हम बहुत गाते हैं उसको, जिंदगी संग्राम है लड़ना इसे, और जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो सफल नहीं बनेगा, वो विजयी नहीं बनेगा।
कपाल भाती करना है, ठीक है, मेरे से देख देख के करते रहना। और ये यही जीवन का सत्य है, युद्धस्व विगत ज्वर है मां मनुस्मरा युद्ध, कपाल भाती करो। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह और झांसी वाली रानी। कोई भी कायरों का इतिहास कलशों से कलमशों से भोगों से वासना से रोगों के राक्षसों से। आओ लड़े स्वयं से कलशों से कलमशों से भोगों से वासना से रोगों के राक्षसों से। ये सारे रोग भोग वासनाएं मैं आदमी मरा जा रहा है और लड़ रहा है दूसरों से, ये लड़ाइयां कौन जीतेगा? चारों तरफ कोरोना आया, सारी दुनिया को हरा दिया, महाशक्तियां हार गए। योग से हम आत्म संयम को उपलब्ध हो गया, आत्म विजय को उपलब्ध हो गया, तो दुनिया में कोई हमें हरा नहीं सकेगा। इसलिए हम बोलते हैं ना अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, क्या बोलते हैं? अहम इंद्रो न कृतम में दक्ष हस्ते जयो में सव्य आहित। तो जो योगी होता है ना उसको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, तो बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, भाई ये प्राणायाम हो गया, अब उज्जाई भी करेंगे, एक मिनट तक श्वास को रोक के रखेंगे, फिर अनुलोम विलोम भी करेंगे। और आपको ये बता रहे हैं, ये बाहर की लड़ाइयां तो बहुत छोटी हैं, सबसे लड़ाई बड़ी है भीतर की, और उसको जीता जाता है। भीतर की लड़ाई को जीतने के लिए ये एटम बम काम नहीं आते, भीतर की लड़ाइयों को जीतने के लिए लाठी भाला तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? योग। और योग में सबसे बड़ा तत्व है प्राणायाम और ध्यान। ध्यान पूर्वक प्राणायाम करो, देखो। आओ लड़े स्वयं से कलशों से कलमशों से भोगों से वासना से रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा पड़ेगा, जो लड़े नहीं
रोकना चाहिए कितना, मेरा 2 से 2.5 मिनट रोकने का अभ्यास है, कितना 2 से 2.5 मिनट तक। अब चलो आप भी मेरे साथ साथ करो, 1 मिनट तक सबको रोकना है, तो इससे बलवान बनोगे। मेरा समाज को है ठुनठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। मेरा समाज को है ठुनठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। स्वास्थ्य भरा तेरे 1 से 2 मिनट तक ऐसे रोक के फिर छोड़ना है भाई। आप लोग के बीच में धराशायी हो गए, अभ्यास करना है। अब अनुलोम विलोम करो, और अभी भजन में गा रहे थे ना, समाज को किसने घेरा है, कुंठाओं ने, कुरूतियों ने, व्यसनों ने। ओहो, अनुलोम विलोम करो। इसलिए एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अभी ध्यान कराते हुए ध्यान से सुनो, योग करते समय समाज की ही नहीं, संसार की, व्यक्ति की, घर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की सारी समस्याओं का समाधान योग से निकलेगा। योग इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, वायलेंस, वार, क्रुएल्टी, डिजीज, डिस्ट्रैक्शन, पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर, मैलन्यूट्रिशन, दीज आर द बिग प्रॉब्लम्स इन ऑल ओवर वर्ल्ड। समाधान क्या है, अनुलोम विलोम करो। इसके ऊपर और विस्तार से आगे बताएंगे कि योग होगा ना, जो सुबह सुबह योग कर लेगा, दिन भर कर्मयोग करेगा, तो दुनिया में हिंसा नहीं रहेगी, युद्ध नहीं होंगे, घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, दुराचार व्यभिचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, अशुचिता असंतोष नहीं होगा, सारी दुनिया में सुख शांति होगी एक योग से। अनुलोम विलोम करो चलो, और ये भजन में भी गा रहे हैं, दोबारा से सुनाते हैं इसी अंतरा को, फिर आगे बढ़ें। घेरा समाज को है ठुनठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। घेरा समाज को है ठुनठा कुरीतियों ने, व्यसनों ने, रूढ़ियों ने, निर्मम अनीतियों ने। इनकी चुनौतियों से है कौन जो भिड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। लगातार करेंगे, रुकना नहीं है, लगातार करो, करते करते अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर, विचारों पर, भाव पर, संवेदनाओं पर नियंत्रण ही नहीं होगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, सोल का, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंप्लीट बैलेंस होगा, और जो कहीं डिजनरेशन हुआ है बॉडी में, रिजुविनेट हो जाएंगे बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स, एंड अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। ये योग से मैं बार बार कहता हूं,
व्याधि मुक्त जीवन, ये योग की प्रथम उपलब्धि। दिस इज फ्लाई, दिस इज द इनिशियल एंड फर्स्ट बेनिफिट ऑफ योग। अचीवमेंट ऑफ लाइफ इज रिक्वायर्ड, दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ योग। करते करते संसार में सारी बुरी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। कल भी मैंने कहा था, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, प्रमाद से, प्रमाद जनित सब दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दोषों से, दुर्गुणों से मुक्त हो जाते हैं और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। यही तो है योग की महिमा। अनुलोम विलोम करो, ये योग के अलावा और कोई समाधान नहीं है। युद्ध समाधान नहीं है, योग समाधान। चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है, जहूर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। महाभारत का युद्ध था और अब तो चारों तरफ समाज के अंदर रोग व्याधियां, कुरीतियां हो, कुनीतियां, चारों तरफ समाज में जो जहर भुला हुआ है, योग का अमृत पी करके ये समाज मुक्त होगा। इसलिए मैं कहता हूं सब कुछ करते हुए हमें योगी रहना है। इसलिए भगवान ने इस आत्मसंयम योग में अंत में क्या कहा, तपस्वी भ्यो अधिको योगी, ज्ञानी भ्यो पिमतोधिका, कर्मी भ्यशदिको योगी, तस्मात योगी भवार्जुन। योगी बनना है सबको। जो योगी बनेंगे वो निरोगी ही नहीं बनेंगे, वो उपयोगी बनेंगे समाज के लिए। वो सृजनात्मक होंगे, गुणात्मक होंगे, उत्पादक होंगे। वो अपने जीवन में इतना बड़ा निर्माण करेंगे, वो आत्मनिर्माण से आत्मनिर्वाण को उपलब्ध होंगे। वो प्रवृत्ति पूर्वक निवृत्ति को उपलब्ध होंगे, वो अभ्युदय निश्रेयस को उपलब्ध होंगे, वो अपरापरा विद्याओं को उपलब्ध होंगे। उनको भीतर से शांति भी होगी और बाहर से उनके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि भी होगी। ऐसा योग से होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं योग तो करना ही करना है, सुबह सुबह सारे संसार को सुबह सुबह योग करना। और जो योग हो गया तो फिर ना कोई रोग रहेगा, ना कोई व्याधि, ना कोई दुख, ना कोई दरिद्रता, ना कोई आपस में वैर भाव, घृणा, नफरत, एक दूसरे से क्या क्या हो रहा है चारों तरफ समाज में, जो भी भरा पड़ा है कूड़ा कचरा वो सब साफ हो गया। अनुलोम विलोम करो। चिंतन चरित्र में अब विकृति बढ़ी हुई है, चहुओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है, क्या पार्थ इन क्षणों भी व्यामोह में पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। जीवन का सत्य है, योग पूर्वक युद्ध भी करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत प्रकार की समस्याओं से लड़ना पड़ता है और उनको परिस्थितियों को जीत करके विजेता बनकर के उभरना है। तो ये आत्म संयम योग से आत्म विजय और विश्व विजय का मार्ग, पहले उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद और मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। Mm-hmm.
उद्गीत लंबा गहरा श्वास चक्र आज चक्र में निरंतर ऐसे मन को टिकाए हुए धारणा देश बंधस्य तस्य ध्यानम तत्र प्रत्येक तानता ध्यान समाधि तदेव आत्मनिर्भरम् स्वरूप शून्य समाधि त्रयमेकत्र संयम तज्ज्ञात्मज्ञानोक तस्य भूमिश्वर धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालो पूर्वक योग में गहरे उतरते जाते और तन मन प्राणात्मा सबको ज्योतिर्मा सर्वद्वारे सुदेहेस्मिन् प्रकाश जाए ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्व और सत्व में प्रतिष्ठित हो जाते और धीरे धीरे सत्व से परम सत्व में परम सत्य में परमात्मा में गुणातीत हो जाते भावातीत हो जाते जीते जी ही मुक्त हो जाते जीवन मुक्त हो जाते। दोनों हाथों को अब ऊपर उठाते हैं आपस में रगड़ते हैं और दोनों हाथों के गर्म करने के लिए की ऊर्जा का ऊष्मा का इंजन करते हैं आंखों को खोल लेते हैं। तो ये आज का ध्यान हुआ। अब क्रियात्मक ध्यान क्रिया योग करवा दिया ना आपको तप भी हो गया स्वाध्याय भी होगा और ईश प्रणिधान बोलो फिर से तपाह स्वाध्याय ईश प्रणिधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश आगे बोलो स्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनु विच्छिन्न अनित्य सुचि दुःखनात्मसु नित्य सुचि सुखात्मख्याते अविद्या दृक् दर्शन शक्तयो एकात्म तो ये तो सब नॉलेज है ज्ञान है और उसका प्रैक्टिकल क्या है उसकी कुशलता क्या है एक्सपेरिमेंट क्या है एक्सपीरियंस क्या है योग करना पड़ेगा। तो एक तो होता है कल मैंने बोला था ना सफलता का एक सूत्र है ज्ञान और दूसरा चरण है उसका कुशलता। ज्ञान के बाद अगला क्या है ज्ञान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में और कुशलता को क्या बोलते हैं द फर्स्ट इज नॉलेज सेकेंड इज स्किल सी आर ऑल
knowledgeful souls, and you are all skillful souls. So you will be success in your life through knowledge and through skills. फिर और भी बहुत कुछ होता है, वो सब आपको बता ही रहे हैं, बताते जा रहे हैं। तो अभी एक चरण पूरा हो गया ध्यान वाला, तो आज भी ध्यान को दूसरा पक्ष बताया ध्यान का, है ना। ये ध्यान कैसे किया जाता है, क्या होता है, ये भी एक कुशलता है। ध्यान करना भी एक, अपने शरीर इंद्रियों मन पर नियंत्रण पाना भी एक, जीवन में जो कुछ कर रहे हैं जो एक्शन है ना वो कुशलता ही है। जो एक्शन है वो क्या है बोलो,